मेरठ से बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने एक बड़ी बात कही है, एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर धर्म परिवर्तन कराना दरअसल आतंकवाद का हिस्सा है। लव जिहाद के मुकाबले अब उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कलाबाबाद का नाम बदलने वाले खिलवाड़ कर रहे हैं, आतंकवाद का हिस्सा है लव जिहाद। लव जिहाद के लिए फंडिंग की जाती है, आतंकी सोच के तहत देश भर में बेटियों के साथ में घटनाएं की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने कथित तौर पर आने वाले लव जिहाद के मामलों को लेकर के अपनी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दरअसल आतंकवाद का ये एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा चेहरा है जिसके पीछे पूरी एक साजिश है, जिसके पीछे सुनियोजित तरीके से एक प्लानिंग है और ये आतंकवाद का हिस्सा है। इसलिए ऐसे में लव जिहाद के खिलाफ में सख्ती से निपटने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि किस तौर पर कलाबाबाद करके नाम बदलने वाले लोग अपनी झांसी में लेकर के धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं, यहां तक कि इसके पीछे पूरी एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के तहत में ऐसे लोगों को फंडिंग दी जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि कथित तौर पर जो मामला इस बीच में चल रहा है, जिन तरीके से आरोप लग रहे हैं लव जिहाद को लेकर के संगीत सोम ने बड़ी बात बड़ा बयान कि ये आतंकवाद का ही एक हिस्सा है और आतंकवाद के एक हिस्से के तरीके से ही इसको प्रदेश के अंदर देश के अंदर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा क्योंकि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार और एजेंसियां जिस तरीके से काम करती हैं लव जिहाद के मामले में भी वैसा ही काम करेंगे। आतंकवाद का एक हिस्सा लव जिहाद है और इसके लिए फंडिंग जिस तौर पर की जा रही है उन तमाम चीजों को रोकने के लिए अब सरकार न सिर्फ प्रतिबद्ध है बल्कि एजेंसियां पुलिस प्रशासन भी इस पर सख्त और कठोर कार्रवाई करेगा। संगीत सोम जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से विधायक हैं, इससे पहले भी आपने उनके सख्त बयानों को सुना होगा और इस बीच में एक बार फिर से उनका ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इस आरोप या ऐसे हालात में ऐसे कथित तौर पर आरोपों के मद्देनजर कितना गुस्सा या कितना आक्रोश है। आइए आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम की जबानी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या उनके चिरकुटों ने जो उत्तर प्रदेश में बवाल काटने का काम किया, क्या वो जायज था? अगर वो जायज था तो क्यों नहीं इनमें से एक भी निकिता के घर जाने की जहमत उठा रहा है? क्यों एक भी निकिता के लिए न्याय की मांग नहीं कर रहा है? मैं जानता हूं क्यों नहीं कर रहा है। वो जानते हैं कि उन्हें एक वर्ग का वोट चाहिए। मुझसे इस बात को फिर एक बार सुने कि इस पर विचार करें, एकजुट हों और एकजुट होकर इस सारी जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है इस पर विचार करें और जैसे को तैसा वैसा जवाब देने का काम करें, बाय हुक बाय कुक, डंडे से जूते से और जिस तरीके से भी जवाब देना पड़े जवाब दीजिए।